चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि इससे पहले एग्जिट पोल में देश का मूड का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसको लेकर सभी न्यूज चैनल्स ने सर्वे एजेंसियों के साथ अपने अपने एग्जिट पोल्स जारी कर दिए हैं। हिंदी राज्यों में भाजपा क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है, वहीं दक्षिण राज्यों में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं एनडीए और इंडिया के बीच किसका प्रदर्शन शानदार होगा, बता दें आपको इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे साफ हो गए हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 361 से 401, इंडिया को 131 से 166 और अन्य को 8 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। कर्नाटक में एनडीए को 20 से 22 सीटें तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं, वहीं जेडीएस को 3 सीटें मिली हैं। राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। वहीं इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए 371 से 401 जीत सकती है, जिसमें बीजेपी को 319 से 338 सीटों के बीच मिलने के कयास हैं, जबकि विपक्षी कांग्रेस के नेत्रबाला इंडिया ब्लॉक 109 से 139 सीटें जीत सकता है, जबकि निर्दलीय समेत अनेक को 28 से 38 सीटें मिल सकती हैं। बता दें आपके न्यूज एक्स और डी डायनामिक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। एनडीए के 371 सीटों के जीतने का अनुमान जाहिर किया गया है, जबकि इंडिया गठबंधन को 125 सीटें मिलेंगी, वहीं अन्य के खाते में 47 सीटें होंगी। एनडीटीवी जन की बात के एग्जिट पोल के माने तो एनडीए के खाते में 362 से 392 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 141 से 161 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें मिली जा रही हैं। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल एनडीए को 342 से 378 सीटें मिलने के कयास हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 153 से 169 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अन्य के खाते में 21 से 23 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। ऐसी ही न्यूज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।